मॉर्निंग मुंबई, कैसे हो आप सब। मोटो मोबाइल ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने है खुशबू और उसकी सहेली, उसको हम स्कूल ड्रॉप करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको जर्नी दिखाएंगे मोटो ब्लॉगिंग की, ठीक है ना। और ये आ गया हमारा कॉलोनी और यहाँ से हम सीधे सीधे जाएंगे। तो आप बने रहें हमारे चैनल पर, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गाड़ी में ज़्यादा हिलो मत तुम लोग, हाँ पहले बोल दे रहा हूँ मैं। तो काफ़ी देख सकते हैं इधर बस का लाइन लगा हुआ है, अगर बस से अगर जाओगे तो आपको काफ़ी इधर मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बस टाइम पे नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो गया बस वाले को, दो दिन से हड़ताल पे जा रहे हैं लोग। तो ये हमारा जल कल्याण के रास्ते से अपना पुलिस क्वार्टर होके हम लोग राइट लेंगे और यहाँ से जस्ट हम लोग BMC कॉलोनी अंदर वाला रास्ता से होके टर्न मार के जाएंगे, ठीक है ना। ये स्कूटी वाले लोग जो है ना भाई, सिर्फ एस्केलेटर मारने का और भागने का है, बस यही है इन लोगों, क्योंकि गियर तो लगाना नहीं है, बस एस्केलेटर लिए धपा धप निकल लिए। तो अतिका को हम लोग छोड़ दिए हैं, बारिश नहीं हो रही है और मैं खाली फुगड़ में रेनकोट पहन लिया हूँ। तो रेनकोट मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे। लोग को देखो जिसका सिल्वर बटन आ गया ना खुशबू, सुन रही है, जिसका सिल्वर बटन आ जाता है ना वो अपने आप को ना बहुत स्मार्ट समझने लगते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं ना कि मैं इंसान नहीं हूँ, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। मतलब फ़ोन भी करेगा ना तो फ़ोन नहीं उठाएगा, इतना बिजी बताएगा अपने आप को। अरे एक दो जन नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना घमंड नहीं खाना चाहिए इंसान को, क्योंकि पब्लिक चढ़ाती है तो पब्लिक ही उतार देगी ना फिर। तो गाइस कच्चा मार्केट के रास्ते वाले से आज नहीं जाएंगे, आज हम लोग 5 नंबर होके जाएंगे और ये है भाजी मार्केट। भाजी आज कम आई है लगता है, इसके लिए गर्दी कम है। और ये आया म्युनिसिपैलिटी, कौन सा स्कूल है रे खुशबू, तो भाई ये अंदर 5 नंबर की अंदर वाली रास्ता है जिससे होके कच्चे रास्तों को कनेक्ट करते हैं। कच्चा रास्ता अपना वही साई पैलेस वाला अंदर वाला रोड है और यहाँ से शॉर्टकट है। तो कैमरा चालू करने का मोटिवेशन रीज़न ये भी रहता है मेरा कि कोई अगर उल्टा सीधा आके गाड़ी ठोकता है तो अपने पास एविडेंस रहता है ना, और मोटो ब्लॉगिंग तो ऐसा कर ही रहे हैं हम लोग, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, है ना। अभी कैसा है इधर रोड बराबर नहीं है ना, अगर गिर गया कुछ हो गया आड़ा टेढ़ा करने में तो। बोलने का भी जरूरत नहीं ऐसे लोग को, बिल्डिंग के अंदर ही जाते हैं क्या गाड़ी सब। बारिश तो हो नहीं रहा, खाली फुकट में रेनकोट पहुंचना है।
तो गाइस इसके ना रुकने का वेट सब कोई करना पड़ता है, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, सिग्नल जब तक रुकेगा नहीं तब तक आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। अच्छा, तुम गलत साइड से जा रहे हो।